तिलकुवा रात्रि में काम करके अपने घर जा रहे लाइनमैन की सांड से टक्कर लगने से लाइनमैन की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। तिलकुवा बिजली घर पर परिजन दे रहे हैं। धरना पुलिस मौके पर मामले की जांच में जुटी। बिजार से टकराया विद्युत कर्मचारी, उपचार के दौरान मौत धरने पर बैठे लोग। तिलकुवा में मोदी नगर रोड पर टीआरएस स्कूल के पास सुमित तोमर नाम के संविदा विद्युत कर्मचारी ड्यूटी से घर लौटते समय एक बिजार से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सुमित तोमर सनोफ श्रीफल सिंह ग्राम औरंगाबाद दतैदी का रहने वाला है। मृतक की उम्र 24 वर्ष है। वहीं सुमित तोमर के ग्रामवासी व भारतीय किसान यूनियन द्वारा बिजली घर रेलवे स्टेशन पर धरने पर बैठ गए और एक नौकरी की मांग की है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंच गई। तब तक आप कुछ नियम, कुछ शब्द, कुछ मांग लिख लें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम निर्देशन आपके हाथ में, आप अपने स्तर से चलते बोले भी और सभी लोगों की राय लेके जिस राय पर सब सहमत हो निर्णय की, हमें नहीं पता क्या आएगा, हमें नहीं पता क्या होना है, हमें सिर्फ इतना पता हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहेंगे। तो उसकी सीधी सीधी बात यह है कि सारा का सारा हमला कोई ना कोई बहाना ऐसा देता है कि भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। वो विषय है बड़ा कष्ट का विषय है, बड़ा एक मंत्रणा हम यहाँ व्यक्त करेंगे। ऐसे हम क्या नीति अपना है, हम एक्शन से नीचे अगर नहीं आए तो नहीं जाएंगे। देखो भाई, पाप और पुण्य की हमारे हम सिर्फ इतना जानेंगे जितने दुनिया छोड़ दी हो गया। तो उसकी सीधी सीधी बात यह है कि सारा का सारा हमला कोई ना कोई बहाना ऐसा देता है कि भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। वो विषय है बड़ा कष्ट का विषय है, एक मंत्रणा हम यहाँ व्यक्त करेंगे। ऐसे हम क्या नीति अपना है, हम एक्शन से नीचे अगर नहीं आए तो नहीं जाएंगे। देखो भाई, पाप और पुण्य की हमारे हम सिर्फ इतना जानेंगे जितने दुनिया छोड़ दी हो गया। भाई साहब क्या नाम है आपका? रवि। रवि जी कहाँ के हैं आप? दतैदी के हैं। दतैदी के हैं। आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा, क्या मामला हुआ है? ये भतीजा है, एक्सीडेंट हो गया इसका, ड्यूटी से घर पर जा रहा था, बिजली में करता है काम, बिजली विभाग। हाँ, बिजली विभाग में। तो कितनी क्या नाम रहा होगा इनका? इसका नाम सुमित। कितनी उम्र रही होगी? उम्र है 24-25 के बीच में। कब की घटना है ये? कल शाम 8 बजे। तो आपको कब पता लगा? हमें पता लगा गांव के जो और पड़ोस के गांव के, उन्होंने हम उसके थ्रू पता लगा। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, जो आपने यहां पर धरना प्रदर्शन किया हुआ है, इसको जो सहायता है मिल जाए बिजली विभाग से, वो चाहिए जो है। परिवार में कौन कौन है? इसके माँ हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, बड़ा एक छोटा, ये बीच का था। तो बीवी बच्चे भी? हाँ, घरवाली भी है, 6 महीने हुए शादी। आपका नितिन तोमर जी? नितिन तोमर जी कहाँ से हुआ? दतैदी। आज जो यहाँ पर धरना लगा रखा बिजली घर पर, क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ जी, रात 9 बजे मेरा भाई ड्यूटी करके जा रहा हूँ बिजली घर से, पबला बिजली घर, जाते समय बिजार से टकरा और उसकी मृत्यु हो गई। हम जीएस में लेकर आ रहे, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। जीएस में लेकर आए जय साहब हमारे, जब भी संगे जब मेरे वहाँ हापुट लेकर गए, जय साहब हमारे जब भी संगे, जब पोस्टमार्टम का नंबर आया, जय साहब पोस्टमार्टम के तक संगे, लेकिन पोस्टमार्टम हुआ भी नहीं, वो जय साहब फरार हो गए। हम फोन कर रहे हैं, हमें 4 घंटा होने को आए, हमारा आधा गांव परेशान,
क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, जो 7.5 लाख रुपए इसे मिलना चाहिए वो मिल जाए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। कहाँ से हो आप? दत्तेड़ी से। दत्तेड़ी से क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ? मामला शाम को काम करके घर से घर को जा रहा था लड़का, वो एक्सीडेंट हो गया बाजार से। कहाँ पर? ये TRS स्कूल है लखोर। तो कब पता लगी आपको? हमें 9 बजे के करीब। तो कितनी उम्र रही हो, क्या नाम होगा उनका? उनका नाम सुमित है, उम्र 22 साल। क्या काम करते थे? लेन मैनेजर बिजली। कब की घटना है ये? ये रात 8:30 बजे की। आप लोग अब क्या चाहते हैं, जो ये भीड़ लगा रखी, जाम लगा रखा था? भाई इसमें कुछ ना कुछ समाधान हो, कुछ मिले या कुछ काम हो, कुछ ना कुछ बिजली विभाग करे, ये चाहते। आप क्या लगते हैं? मैं बड़ा भाई। आप बड़े भाई हैं?